अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। दोस्तों आपके साथ पीसीबी अवार्ड्स के हवाले से अपडेट शेयर करूंगा, क्योंकि पीसीबी ने अवार्ड्स की अनाउंसमेंट कर दी है और प्लेयरों के नाम बता दिए हैं। दोस्तों मोहम्मद रिजवान को दो बड़े अवार्ड्स मिले हैं। अगर बात करें ओडीआई के क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड की, तो वो दिया गया है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को। T20 का जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड था वो दिया गया है मोहम्मद रिजवान को। टेस्ट का जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो दिया गया है दोस्तों हसन अली को। और मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर का जो अवार्ड है वो दिया गया है शाहीन शाह अफरीदी को। और मोस्ट वैल्यूबल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया है मोहम्मद रिजवान को। और इसके अलावा डोमेस्टिक का जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो दिया गया है साहबजादा फरहान को। इसके अलावा इमर्जिंग का जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है दोस्तों वो दिया गया है मोहम्मद वसीम जूनियर को। इसके अलावा वुमेंस का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दोस्तों दिया गया है निदा दार को। इसके अलावा बेस्ट अंपायर का जो अवार्ड है वो दोस्तों दिया गया है आसिफ याकूब को। और इसके अलावा दोस्तों एक और अवार्ड है कि जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का है वो उन लम्हात को दिया गया है जब पाकिस्तान ने नबीबिया को शिकस्त दी थी, जब पाकिस्तान की टीम नबीबिया के ड्रेसिंग रूम में गई थी, उनके खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की थी। तो दोस्तों उन लम्हात को मद्दनज़र रखते हुए ये अवार्ड दिया गया है पाकिस्तान टीम को। दोस्तों ये अवार्ड से पीसीबी की जानिब से, और इसमें जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ निकल कर सामने आई है साहबजादा फरहान के हवाले से। साहबजादा फरहान को दोस्तों PSL के मिनी ड्राफ्ट में भी उनको शायद पिक किया जाता है, जाना ही, लेकिन उनको जो पहला ड्राफ्ट हुआ था उसके अंदर किसी टीम ने पिक नहीं किया था, लेकिन उनको इधर अवार्ड मिल गया, ये उनके लिए बड़ा एजाज है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब प्लीज।